अस्सलाम वालेकुम। तो डाइटिंग स्टार्ट कर दी है आपकी बहन ने, तो मैंने मॉर्निंग ड्रिंक बनाई है सबसे पहले, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत ही इजी है। पानी गर्म करके उसमें शहद शामिल किया है। बस शहद, बस ये होता है मसला कि आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल कौन सा है। तो ये ओरिजिनल है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने भेजा था सवाद से, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ही अलग है जो आम शहद से जो मार्केट में मिलते हैं उससे बिल्कुल ही चेंज है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना ओरिजिनल है। तो मैंने 2 टीस्पून इसमें डाल दिए। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन ज़्यादा मीठा फिर पिया नहीं जाता, तो इस वजह से मैं कम ही इसमें ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस इसको आप मॉर्निंग में पी लें, आप जो सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे उसके बाद इसको ले लें, या उससे पहले भी ले सकते हैं, फिर उसके आधे से 1 घंटे बाद अपना ब्रेकफास्ट कर लें। ये मॉर्निंग ड्रिंक मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि जल्दी से बन जाती है। दूसरी बात ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वैसे तो मैं मोरिंगा पाउडर भी लेकर आई हूँ, लेकिन अभी तक ट्राई नहीं किया है। जब ट्राई करूँगी तो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और सिंपल ही मैंने ब्रेकफास्ट लिया है। 1 कप मैंने शुगर फ्री टी ले ली थी, तो मैंने सोचा ब्रेड भी शुगर फ्री है और चाय भी, तो टेस्ट थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मैंने जैगरी पाउडर ले लिया था, वो चाय में शामिल करेंगे ताकि चाय थोड़ी सी मीठी हो जाए, ज़्यादा नहीं। और जैगरी पाउडर तो बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली आपको अगर कफ है तो, कहते हैं ना गुड़, हमारे बड़े कहते हैं कि गुड़ थोड़ा सा चूस लें मुंह में रखकर तो कफ अच्छे से सही हो जाती है। तो मैं 2 ब्रेड ले लूँगी, ब्राउन ब्रेड। अगर आप जैगरी पाउडर नहीं डालना चाहते तो शहद भी स्प्रेड कर सकते हैं। और लंच में मैंने ग्रिल फिश ले ली थी, फ्राइड नहीं, ग्रिल लेनी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिनर की रेसिपी भी इंशाल्लाह शामिल कर दूँगी वीडियो में। और ये खदीजा हैं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बस थक गई।